हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे चिकन चीज़ नगेट्स। तो चलिए देखते एकदम ये क्रिस्पी जो चिकन नगेट्स है वो कैसे बनाया है। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो के करीब चिकन कीमा ले लिया है। अभी हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज, धनिया, आधा छोटा इंच कटा हुआ अदरक, दो तीन लहसुन की कलियाँ और दो हरी मिर्च हम चॉप करके ऐड कर देंगे। फिर हमें इसमें ऐड कर देना है एक बड़ा चम्मच चिली फ्लेक्स, आधा चम्मच गरम मसाला और टेस्ट के हिसाब से हम नमक ऐड कर देंगे इसमें। और आधा चम्मच चाट मसाला ऐड कर देंगे। अभी ये इस पूरे मिक्सचर को हम ब्लेंडर में पीस लेंगे अच्छे से। पीसने से पहले हम इसमें दो बड़े चम्मच ब्रेड क्रम्स ऐड कर देंगे जिससे बाइंडिंग आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ दो बड़ा चम्मच ब्रेड क्रम्स और अभी हम इसे पीस लेंगे। तो ये देखिए एकदम महीन मैंने ये जो चिकन का पूरा मिक्सचर था उसे मैंने पीस लिया है। अभी यहाँ पे मैंने ले लिया है एक अंडा और उसमें आधा कप के करीब मैंने दूध ले लिया है, नमक ऐड कर दिया, चिली फ्लेक्स ऐड कर दिया है इसमें कोटिंग के लिए ये लिया है। और क्रिस्पी होने के लिए यहाँ पे मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिया, उसमें एक छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स और आधा छोटा चम्मच नमक ऐड कर दिया है। ये अभी हम मिक्स कर लेंगे और चीज़ का स्टफिंग करेंगे हम इसमें। तो मैंने चीज़ क्यूब को चार हिस्सों में काट लिया है ऐसे। तो अभी हम इसके नगेट्स बनाना चालू करेंगे। तो नगेट्स बनाने के लिए जो ये चिकन का मिक्सचर है वो हम उसको हम ले लेंगे थोड़ा सा। इसमें हम चीज़ का फिलिंग कर देंगे और इसको अच्छे से कवर कर देना है, चीज़ बाहर नहीं आना चाहिए। और इसको हम एक अच्छा सा नगेट्स का शेप दे देंगे। अभी हमने ये जो एग का मिक्सचर बनाया हम इसमें उसको कोट कर लेंगे अच्छे से और इसके बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे अच्छे से। अच्छे से चारों ओर हमें इसे ब्रेड क्रम्स से कवर कर लेना है। तो ऐसे मैंने सारे जो चिकन चीज़ नगेट्स है वो बना लिया है और सारे अच्छे से मैंने ब्रेड क्रम्स में कोट कर लिया है। अभी हम इसे 15 मिनट के लिए फ्रीज में रख देंगे ताकि जो इसका कोटिंग है वो सेट हो जाए और फिर हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने तेल को गरम कर लिया है अच्छे से और 15 मिनट इसे मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो अभी मैंने निकाल लिया, अभी हम इसे अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। अभी हम इसे टर्न कर लेंगे और दूसरे साइड भी अच्छे से क्रिस्पी होने तक हमें फ्राई कर लेना है इसे। तो अच्छे से दोनों साइड से क्रिस्पी होने तक मैंने इसे फ्राई कर लिया है, अभी हम इसे निकाल लेंगे। तो ऐसे हमारा चिकन चीज़ नगेट्स जो है वो बनकर तैयार है, एकदम क्रिस्पी बना है और बहुत टेस्टी भी है। तो ज़रूर एक बार इस रेसिपी को ट्राई करिए और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू।